गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेटा, असी अपनी पंजाबी दी पाठ पुस्तक सजरे फुल दे पार्ट दो पढ़ाई नाल खेडा भी जरूरी दी पढ़ाई कर चुके हाँ। अज असी इस पाठ नाल संबंधित प्रश्न उत्तर ते शब्द अर्थ जड़े है वो डिस्कस करांगे। इस दे नाल ही मैं तुहानू इस पाठ का उद्देश दसना चाहवांगी कि इस पाठ का उद्देश बच्चों नू ये दसना है कि सानू पढ़ाई दे नाल नाल खेडा वल भी ध्यान देना चाहिदा है, क्योंकि खेडा खेडन दे नाल साडा शरीर तंदुरुस्त रहिंदा है, निरोग रहिंदा है और साडे चेहरे ते चमक आंदी है। इस पाठ दे विच बेटा एक छोटा जिहा मुंडा है दीपू, जिहड़ा दूजी जमात विच पढ़दा है। वह बहुत होशियार है पर वह पढ़ाई दे नाल खेडा वल बिल्कुल ध्यान नहीं दिंदा। वह सारा दिन पढ़ता रहिंदा है, किसी नाल गल नहीं करता है, जिस करके उसकी जड़ी नज़र है वह कमज़ोर हो गई है, शरीरक पक्षों भी वह कमज़ोर हो गया है। उसके घर के बहुत परेशान हैं उसकी सेहत को लेके। एक दिन उसके पिता उसनू समझाते हैं कि उसनू घर की छत पर ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने घर के पिछे एक छोटी जी ग्राउंड है जिथे बच्चे जड़े है शाम को खेडन आते हैं। पिता जी दसते हैं, देख बेटा इन्हां दे चेहरे किन्ने चमक रहे हैं, ये किन्ने तंदुरुस्त लग रहे हैं, किन्ने निरोग लग रहे हैं। फिर दीपू पुछता है, पिता जी इस तरह क्यों है? पिता जी समझाते हैं, देख बेटा ये पढ़ाई के नाल नाल खेडा भी खेडते हैं, जेकर असी पढ़ाई के नाल खेडा भी खेडांगे तो साडा शरीर जिहड़ा है इस तरह का ही होगा। फिर दीपू नूं समझ आ जाती है, वो अपने पिता जी नाल वादा करता है कि अज तो वो भी पढ़ाई के नाल नाल खेडा खेडन वाल पूरा ध्यान देगा। सो हुण असी इस पाठ विच आए हुए औखे शब्दों के अर्थ करांगे। बेटा पहला औखा शब्द है हुशियार। हुशियार तो भाव कौन हुंदा है? जिहड़ा होनहार होवे, तेज होवे। हुशियार तेज जां फिर होनहार, जिहड़ा हर काम दे विच अग्गे लंघे अवल आंदा होवे उसनू आपां कहिंदे आ। दूसरे नंबर ते है जमात। जमात जिहड़ी क्लास च तुसीं पढ़दे हो उसनू पंजाबी दे विच जमात भी कहा जाता है। तीसरे नंबर ते है मनोरंजन। मनोरंजन भाव मन परचावा करना, अपने मन नू खुश करन दे लई असीं कार्टून देखदे हाँ, गेम खेलदे हाँ, से मनोरंजन तो भाव मन परचावा। नेक्स्ट है मन परचावे तो बाद जहान। जहान तो भाव संसार, जिस दुनिया दे विच आपां रह रहे हाँ उसनू कहा जाता है जहान। जहान तो भाव संसार भी हो सकता है, जग भी हो सकता है, इस जग दे विच आपां रह रहे हाँ। शब्द अर्थ करन तो बाद असी प्रश्न उत्तर करांगे। सो मेरा पहला प्रश्न है, दीपू कौन सी जा दीपू कौन है? सो फर्स्ट प्रश्न का उत्तर, दीपू कौन है? दीपू एक होशियार लड़का है, क्योंकि आपां पाठ ही दीपू बारे पढ़िया है। दीपू जिहड़ा करैक्टर है उहदे बारे गल हो रही है, ते दीपू एक होशियार लड़का है। दूसरे नंबर ते है दीपू सारा दिन की करदा रहिंदा सी। सो दीपू की करदा रहिंदा सी? दीपू सारा दिन पढ़दा रहिंदा सी। दीपू सारा दिन पढ़दा रहिंदा सी। तीसरे नंबर पे प्रश्न है, ओहो कमजोर सी। क्यों सी ओ कमजोर? ओहो कमजोर क्यों सी? ओहो कमजोर सी, ओहो कमजोर सी क्योंकि ओ सारा दिन, क्योंकि ओहो सारा दिन पढ़ता रहिंदा सी, क्योंकि ओ सारा दिन पढ़ता रहता सी, जिस करके वह कमजोर हो गया, उसकी अखा कमजोर हो गई। नेक्स्ट है साडा मनोरंजन किवें हुंदा है? सो बेटा खेडा खेडन नाल साडा मनोरंजन
खेड़ा खेड़ा नाल हुंदा है। आपां किन्नियां सारियां खेड़ा खेड़दे हैं अपने मन नूं खुश करन लई। खेड़ा खेड़न नाल हुंदा है। सो बेटा लास्ट क्वेश्चन है, साढ़े चेहरे ते नूर किवें आउंदा है, साढ़े चेहरे ते नूर किवें आउंदा है। सो जदों आपां खेड़ांगे तां ही साढ़े चेहरे ते नूर आएगा। साढ़े चेहरे ते नूर खेड़न नाल आंदा है, खेड़न नाल आंदा है। सो यही सी साढ़े प्रश्न उत्तर। तुसी इस नूं अपनी रफ नोटबुक दे विच नोट कर लेना है, फिर उस तो बाद फिर च कर लेना। हुण असीं करांगे बेटा हफ्ते दे नां, हफ्ते दे नां जिसनों की इंग्लिश दे विच डेज ऑफ वीक भी कहिंदे हां। आपां कर चुके हां डेज ऑफ वीक संडे मंडे इंग्लिश दे विच कीते हां। हुण असीं पंजाबी दे संडे मंडे करांगे जिसनों की कहा जाता है हफ्ते दे दिनां दे नां। हफ्ते भाव वीक, हफ्ते दे दिना दे ना। आप रोज़ बोलते हैं ना अच्छ संडे है, मंडे है, ट्यूजडे है, इस तरह पंजाबी दे विच भी इन्हां दे नाम हैं। हफ्ते दे विच बेटा सात दिन हैं जिन्हां विचों छे दिन असी काम करते हाँ, सत्तवें दिन असी आनंद मानते हाँ बच्चे, ठीक है। सो पहला जिहड़ा हफ्ते का दिन है वो है सोमवार, इंग्लिश दे विच इसनू मंडे कहिंदे हन ते पंजाबी दे विच सोमवार कहिंदे हन। दूसरा है ट्यूसडे भाव मंगलवार, मंगलवार। तीसरा है वेडनेसडे बुधवार। चौथा है थर्सडे वीरवार। फिर पंजवां हफ्ते का दिन है फ्राइडे पाप शुक्रवार। श की आवाज आ रही है तो बेटा पैरे बिंदी पा लेनी है, शुकर शुक्रवार। सो बेटा छेवां दिन जिहड़ा है हफ्ते का उसनू आपां कहिंदे आ सैटरडे, शनिचरवार। फिर श की आवाज आई बिंदी पाली, शनिचरवार। हुण बेटा तुसी सोचोगे तैनूं तां शनिवार कहा जांदा है, पंजाबी दे विच आपां शनिचरवार ही कहिंदे हां। सो साडा आखरी जिहड़ा हफ्ते का दिन है वह है ऐतवार। इस दिन असीं रैसट करदे हाँ, छुट्टी हुंदी है, अपने पेंडिंग काम पूरे कर लैंदे हाँ। ये सी साढ़े हफ्ते दे दिनां दे नां। हफ्ते दे विच सत्त दिन हुंदे ने जिहदे विचों छे दिन आपां काम करदे हाँ ते सत्तवें दिन असीं छुट्टी मानदे हाँ, छुट्टी दा आनंद लैंदे हाँ। फिर पूरी रिपीट कर लैंदे हाँ, सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार शनिचरवार ऐतवार। सो बेटा हुण इसनूं तुसीं अपनी नोटबुक ते नोट कर लेना है। ओके बेटा, धन्यवाद।